क्या कांग्रेस एनसीपी की बैठक को लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज? क्या कांग्रेस एनसीपी की बैठक से शिवसेना को मिलेगी गुड न्यूज? महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, उससे राज्य में जल्द सरकार बनने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें कांग्रेस एनसीपी नेताओं के बीच होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। शिवसेना भी इस बैठक को लेकर काफी उम्मीदें लगाए बैठी है, क्योंकि अगर इस बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर ये शिवसेना का सपना टूटने जैसा होगा। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि इस बैठक के बाद शिवसेना को गुड न्यूज मिल सकती है। खबरों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिवसेना के साथ गठबंधन को मंजूरी दे दी है, यानी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जाने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक प्रदेश में सरकार बन जाएगी, हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी महाराष्ट्र में नई सरकार के दिसंबर के पहले हफ्ते में बनने की संभावना जताई थी। उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 22 नवंबर को विधायकों की बैठक बुलाई है। खबर है कि इस बैठक में पार्टी आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेगी। वहीं कांग्रेस एनसीपी की बैठक में नेता कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मसलन, यदि तीनों दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इस गठबंधन का नाम क्या होगा? यदि तीनों पार्टियां साथ आती हैं तो आने वाले बीएमसी चुनाव में दोनों दलों का क्या रुख होगा? इस बैठक में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट शामिल हो सकते हैं। वहीं एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल और जयंत पाटिल सरीखे नेताओं के शामिल होने की संभावना है। पहली ये बैठक 19 नवंबर को होनी थी, लेकिन पूर्व पीएम इंदिरा गांधी जयंती होने के चलते पार्टी के तमाम नेता कार्यक्रम में व्यस्त हो गए, जिसके चलते ये बैठक टाल दी गई। उधर शरद पवार के साथ मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने खड़गे, एंटनी और वेणुगोपाल के साथ महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। कांग्रेस सूत्रों की माने तो इस दौरान चर्चा शिवसेना के साथ सरकार गठन और सत्ता में साझेदारी के फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही हुई। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस एनसीपी की इस बैठक से शिवसेना को गुड न्यूज मिलती है या नहीं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।